जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अवध विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड सब्जेक्ट्स, कॉमन सब्जेक्ट जो सबके लिए कॉमन है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान। इसके हम फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होती है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करा दीजिए, कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पिछले 6 सालों का क्वेश्चन बताऊंगा कि इस यूनिट से पिछले 6 सालों में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको बताएंगे। चाहे सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन सी की बात करें, इस यूनिट की बात करें अगर हम बच्चों, तो कम से कम 20 से 25 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, आसानी से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, रिपीट कर दें। अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान, यूनिट 1। तो दोस्तों अवध विश्वविद्यालय का ये सब्जेक्ट 2, आप इसके यूनिट 1 की पहले अगर हम सिलेबस देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले चीज़ है आपको साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यही आपका है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि आपके वृद्धि और विकास की साइकोलॉजी क्या है, आपकी वृद्धि और विकास क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। तो पहला है बच्चों मीनिंग एंड द मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान। आप शैक्षिक मनोविज्ञान की मीनिंग और मेथड, इसका अर्थ क्या होता है, इसके मेथड्स क्या होते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आप देखेंगे कितनी बार पूछा है, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके इस यूनिट का पहला पॉइंट है बच्चों मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान। दूसरा क्या है, दूसरा है बच्चों इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। एक बच्चे के विकास में उसका अनुवांशिकता और उसका वातावरण कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, बच्चे के विकास में उसकी हेरिडिटी और उसका इन्वॉल्वमेंट कैसे इफेक्ट करता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बच्चों डेवलपमेंट स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर। अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, डेवलपमेंट स्टेज वाइज बच्चों के जो स्टेज वाइज डेवलपमेंट होते हैं, क्या कहते हैं, क्रमागत विशेषताएं, उसकी अवस्था की क्रमागत, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था में बालक के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक वैसे ही बाल्यावस्था में बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उसकी क्या विशेषताएँ होती हैं, कैसे उसके बाल्यावस्था में विकास होता है, किशोरावस्था की बालक की क्या विशेषताएं होती हैं और किशोरावस्था में उसका विकास क्या होता है, कैसे चीज़ों को सीखता है, आपको ये पढ़ना है। तो स्टेज वाइज डेवलपमेंट और उनके करैक्टर जो लर्नर होते हैं, ये आपको पढ़ना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन तीनों में से मैं लिख के देता हूँ, मैं 2 प्रश्न आपको बता दूँ, ये एक है एजुकेशनल साइकोलॉजी और ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तीसरा है बच्चों इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपके इमोशनल और कॉग्नेटिव, संज्ञानात्मक और इमोशनल को कहते हैं संवेगात्मक, करेक्ट। तो ये डेवलपमेंट इमोशनल और कॉग्नेटिव डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी थीरी पूछी जाती है जीन प्याजे। आपने अक्सर देखा होगा आपके सीटेट में भी कई बार इनसे जीन प्याजे सवाल आता ही है। तो जीन प्याजे ने जो सिद्धांत दिए थे उसके बारे में पढ़ना है, जीन प्याजे ने क्या सिद्धांत दिए संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, तो ये हो गया टोटल आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस और यही है सिलेबस और ऐसे में सवाल पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया, करेक्ट। अब आइए देखते हैं कि पिछले 5 सालों में सवाल कैसे पूछे गए, सवाल तो बनता है ना भाई, तो आइए देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में सवाल कैसे पूछे गए, करेक्ट। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 2017 से देखिए 2022 तक, ठीक है, कैसे सवाल पूछे गए, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करिए। ठीक है, 17 में 21 में 22 में शिक्षा मनोविज्ञान को मैंने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान से। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में 17, 21, 22 में पूछा गया। शैक्षिक मनोविज्ञान में व्यवहार के अध्ययन की विभिन्न विधियाँ, पहला ही पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा और उसकी मेथड से 17 और 21 में भी पूछा गया है। शॉर्ट में, जब शॉर्ट की बात करें मतलब 8 नंबर में, शॉर्ट मतलब 8 नंबर में पूछा गया, वेरी शॉर्ट नंबर मतलब 1 नंबर या 2 नंबर, और लॉन्ग का मतलब 15 नंबर। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों शिक्षा के लिए, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का क्या महत्व है, एक शिक्षक के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। 8 नंबर में 2 बार 21 और 22 में सवाल ये पूछ चुका है। अगला है शिक्षा व मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, इसकी व्याख्या करिए। या फिर कभी कभी सवाल ये भी पूछ देता है कि शिक्षा
और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी व्याख्या करिए। ये भी शॉर्ट में 19 और 20 में पूछा है। शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा स्पष्ट करिए, 18 और 19 में पूछा है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक विधि, जब शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ पढ़ेंगे उसमें एक विधि है प्रैक्टिकल मेथड यानी प्रयोगात्मक विधि, उसकी आवश्यकता तथा महत्व की व्याख्या करिए। 2019 के शॉर्ट में पूछा है। शिक्षा मनोविज्ञान में निरीक्षण विधि की आवश्यकता तथा महत्व, ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड्स के बारे में पूछा है 2018 के शॉर्ट में पूछा है। और शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र, उसके स्कोप्स क्या हैं, उसका विषय क्षेत्र क्या है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व की विवेचना, इससे पहले भी पूछा था कि एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप देखेंगे। लॉन्ग में पूछा है बच्चों ये वाला सवाल, ठीक है, लॉन्ग में यानी कि 15 नंबर का ये सवाल पूछा था। और मनोविज्ञान एवं शिक्षा के संबंध में, फिर से वही बात है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ और शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए कितना आवश्यक है, यही तीन प्रश्न अभी तक आप देख रहे हैं बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि मनोविज्ञान एवं शिक्षा के संबंधों की विवेचना कीजिए और बताइए कि मनोविज्ञान ने शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार में किस प्रकार की क्रांति उत्पन्न करी। बात वही है, शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध की बात की जा रही है। द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। आज शिक्षा मनोविज्ञान को एक शैक्षिक अनुसंधान के रूप में क्यों माना जाता है, ठीक है, इसके बारे में व्याख्या करना है, 2022 में पूछा था। अब आपने देखा, अब यहाँ पे थोड़ी सी समझ जाइए बात को। पहला जो पॉइंट था आपका शिक्षा मनोविज्ञान, उससे संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान में देखिए तीन चीज़ आपको पढ़ना है। पहले बात शिक्षा और मनोविज्ञान के आपस के संबंध को पढ़ना है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए कितना इंपॉर्टेंस है, ये आपको पढ़ना है। और तीसरा प्रश्न था शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ होती हैं वो पढ़ना है, किसी एक विधि की व्याख्या करिए पूछ सकता है तो आपको वो पढ़ना है। तो आपने देखा शिक्षा और मनोविज्ञान, इसको खत्म किया जाएगा एक वीडियो में, डोंट वरी, ये हो गई शिक्षा। दूसरा पॉइंट क्या था भाई, आपका जो स्टेज वाइज डेवलपमेंट था उसका कैरेक्टर, अब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था संबंधित आज तक जो सवाल पूछे गए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। तो उसमें एक सवाल कैसे पूछे गए, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 2020 और 2021 के लॉन्ग में आपसे क्या पूछा था। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए, उसे प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। ये भी सवाल कई बार पूछता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पे लॉन्ग में पूछ दिया था शैशवावस्था से किशोरावस्था तक। अब इसमें आप क्या करेंगे, पहले शैशवावस्था के बारे में लिखेंगे कि शैशवावस्था के विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर बाल्यावस्था के लिखेंगे, फिर किशोरावस्था के लिखेंगे। ये 15 नंबर में पूछ लेते, और हमेशा यही तीन तीनों में से कोई एक तो पूछेगा ही पूछेगा। बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, किशोरावस्था के मुख्य समस्याएं, किशोरावस्था टीनेज बहुत खतरनाक एज होता है, विभिन्न विकास के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करिए, बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करिए, फिर से वही अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए भाई, बाल्यावस्था ये तो एक दो नंबर में पूछा था 2018-19 में। बाल्यावस्था की मुख्य समस्याएं, समझ में आ रही बात, बिल्कुल वही है, पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, वो ये बढ़िया था, अभिवृद्धि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर पूछ लिया था कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, ठीक है। किशोरावस्था एवं बाल्यावस्था में अंतर बताइए, किशोरावस्था मतलब किशोरावस्था और बाल्यावस्था के अंतर बताना, समझ में आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन एक बार समझ जाएंगे तो पूरा सिलेबस तैयार करने में आसानी हो जाएगी। संवेग के संप्रत्यय का वर्णन करिए, वही संवेग के संप्रत्यय का मतलब इमोशंस के आप कॉन्सेप्ट, ठीक है, इमोशंस के आप क्या समझते हैं। वह किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, ठीक है, आप संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट को पूछ रहे हैं कि किशोरावस्था में कैसे होता है, इसके बारे में व्याख्या करना है। और वंशानुक्रम क्या होता है भैया, वंशानुक्रम क्या होता है, माँ बाप के गुणों का बच्चों में स्थानांतरण, वही पूछे आपसे वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान शिक्षक के लिए अनिवार्य है, इस कथन पर विवेचना करिए, इस कथन के बारे में व्याख्या करिए, ठीक है। प्रश्न समझ में आ रहे हैं, वातावरण से आप क्या समझते हैं, बालक के विकास में आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, ठीक है। चलिए अगला है बच्चों, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, जीन, ये देखिए ये वाला तो देख ही लीजिए ना, संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के मूलभूत संप्रत्ययों का वर्णन करिए, मतलब जीन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। और कितनी बार पूछा है आप इसको नज़र डालेंगे, 17, 18, 21, 22, बस एक बार 19 में नहीं पूछा है, 19 और 20 में, बाकी देखिए 17, 18, 19, 20, 17, 18, 21, 22 में भर भर के ये सवाल पूछा है, तो इसको तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप सीधे सिलेबस पे एक बार आ जाइए। सिलेबस में अगर आप देखेंगे बच्चों, बात वही है, सिलेबस से ही सवाल उठा दिया है, एजुकेशन साइकोलॉजी की अर्थ और अवधारणा, ठीक है, उसके मेथड, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट कैसे बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है,
डेवलपमेंट स्टेज वाइज बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास। बस यही है बच्चों, यही आपको पढ़ना है और यही आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि सिलेबस समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, मतलब कैसे तैयारी करनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स देता हूँ इससे पहले के वीडियोस बनाए गए, आप उसको देखिए। हालांकि इस वर्ष भी वीडियो बनाए जाएंगे, साथ में मिलकर पढ़ाई की जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल से जुड़े रहना। तो समझ में आ गई बात। ये जो पूरा PDF था मैं टेलीग्राम पे बच्चों को शेयर कर देता हूँ, उनको फ़ायदा होगा सिलेबस समझने में और ये समझने में कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, और इस तरीके से आप पूरे प्रश्नों को तैयार करेंगे। डेफिनेटली आपका ये जो एक यूनिट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछता है। देखिए, दो सवाल तो आपको वेरी शॉर्ट में आएंगे, दो नंबर में। एक सवाल, मतलब दो सवाल दिए रहेंगे, इसमें से कोई एक ही करना है अथवा में दिया रहता है, तो एक सवाल आपको 8 नंबर में पूछेगा कम से कम, कभी कभी 2 भी पूछ सकते हैं, 16 नंबर पूछ दिया तो 8 नंबर तो पूछेगा ही पूछेगा, 8 to 10, और एक सवाल 15 नंबर में आपको पूछेगा ही पूछेगा, यानी कि 25 नंबर का सवाल तो आपको आना ही आना है, ठीक है। पेपर इस यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, इस यूनिट से 25 नंबर का सवाल आपको आना ही आ रहा है, ठीक है। तो तैयारी ज़रूर करिएगा, प्रश्न आपके सामने है। वीडियोस के जो आंसर्स होते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस तरीके से हम साथ मिलकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे नंबर से हम पास हो सकते हैं और समझ में भी आएगी, और पढ़ने का यही मज़ा है यार। देखो, सिलेबस जो दिया होता है ना, तो सिलेबस को पहले समझना चाहिए, सिलेबस को समझ के पढ़ेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, साथ में पढ़ेंगे अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। एक जिम्मेदारी के साथ आपको, आप सबका एक कॉलेज ग्रुप होगा, राइट। उस कॉलेज ग्रुप में कभी कभी बातें भी चलती हैं, कभी कभी मस्ती भी होती है, कभी कभी कुछ लोग पोस्ट भी शेयर कर देते हैं। तो अगर आप ये इस वीडियो के लिंक अगर आप ग्रुप में शेयर करते हैं ना, तो यकीन मानिए आपने कुछ पढ़ाई से संबंधित शेयर किया है। मेरी मेहनत है कि मैं 7 सालों का 6 सालों का बैठ के क्वेश्चन पेपर को लिख रहा हूँ कि कौन साल कैसे पूछा है, कैसे पूछा है, और इस मेहनत को दूसरों तक पहुँचाइए, सबका फ़ायदा हो, सबका भला हो। वैसे भी हम लोग भला करने के लिए भले लोग हैं। तो आप अपने कॉलेज ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, और सबसे कहिए कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और जुड़ो 6 सर के चैनल से, और एक साथ पढ़ाई करो, ठीक है। मुझे पता है फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी टेंशन होती है, टेंशन सबसे पहले तो अपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, अच्छा पेपर होगा, मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है। साथ बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल से, साथ मिलके। लेकिन हाँ, पढ़ाई ज़रूर करिएगा, शुरू ज़रूर कर दीजिएगा पढ़ाई। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कौन से कॉलेज से आपका एडमिशन है, हो सकता है आपका क्लासमेट आपको कमेंट में मिल जाए, ठीक है। तो कमेंट में अपने कॉलेज का नाम बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेगा अगली वीडियो में इसके आंसर्स के साथ, इसके आंसर डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए, साथ में पढ़ते रहेंगे। सो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।